आज मैं आपको बताऊंगा कि पांच ऐसी बाइक जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है 1 लाख के अंदर में। तो आप लोग को काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सी बाइक लें, बजाज की बाइक लें, होंडा की बाइक लें और या फिर हीरो की बाइक लें। तो इसी सारे कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर आती है हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक। तो हीरो स्प्लेंडर का नाम ही काफ़ी अपने मार्केट में बनाए रखने के लिए काफ़ी पॉपुलर बाइक है ये अपने सेगमेंट में। तो इसमें लगा है 97 cc का इंजन और जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8 bhp, यही इसके मैक्सिमम न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बातें करें तो 8.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। 4 speed गियर बॉक्स के साथ आती है। इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और इसके मीटर कंसोल की बातें करूँ तो इसमें फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस सेगमेंट में। और यही इसके आपको मैं माइलेज की बातें बताऊं तो माइलेज आपको इजीली सिटी में जो है ना 60 के आसपास 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको माइलेज दे देगी और टॉप स्पीड में आपको 90-95 के आसपास ये चली जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसके मैं प्राइस की बातें करूँ तो ऑन रोड प्राइस है इसका दिल्ली में 92,000 ऑन रोड दिल्ली। आपके नियर बाई में क्या है वो हीरो की एजेंसी में कॉल करके पता कर सकते हैं। सब स्टेट का सब तरह की प्राइस होती है, तो आप अपने नियर बाई में कॉल करके पता कर सकते हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है बाइक हीरो की ही बाइक हीरो पैशन एक्सटेक, जिसमें लगा 110 cc का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 9 PS की। ये इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बातें करें तो 9.79 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। फ्रंट और रियर ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, बट फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है, तो ये अच्छा है। और इसमें आपको 4 speed का गियर बॉक्स मिलेगा, फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर इसमें भी आपको मिलेगा और माइलेज की बातें करूँ तो ये भी आपको इजीली 55-60 के आसपास आपको माइलेज दे देती है और टॉप स्पीड में आपको 95-100 के आसपास ये चली जाती है। रही बात इसके प्राइस की, तो आपको ये थोड़ी सी बस 2-4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो इसका ऑन रोड प्राइस है 96,000 ऑन रोड दिल्ली। तीसरी बाइक की अगर मैं बातें करूँ तो तीसरी बाइक भी हीरो की ही है, हीरो ग्लैमर एक्सटेक। तो इसमें लगा है 125 cc का एयर कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.7 bhp। यही इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बातें करें तो 10.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, तो पावर फिगर तो इसमें काफ़ी अच्छा है। ब्रेक में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको 5 speed का गियर बॉक्स मिलेगा, इसमें भी आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके मैं आपको माइलेज की बातें करूँ तो ये इजीली आपको 50-55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है और टॉप स्पीड में आपको ये आपको चली जाएगी इजीली 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और तो चलिए इस बाइक के मैं आपको प्राइस बता दूं तो इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 1.05 लाख, मतलब 1,05,000 रुपये आपको ऑन रोड मिलेगी। चौथे नंबर पर आने वाली बाइक की मैं बातें करूँ तो चौथे नंबर पर आने वाली बाइक अपने माइलेज के नाम पे काफ़ी पॉपुलर है माइलेज के मामले में। तो चौथे नंबर पे होंडा की होंडा SP125। तो इसमें लगा है 125 cc का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.72 PS की। ये इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बातें करें तो 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ये भी 5 speed गियर बॉक्स के साथ आती है। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम ब्रेक। और इसके माइलेज की बातें करूँ तो ये इजीली आपको दे देती है 60-65 किलोमीटर पर लीटर, तो अच्छा है ये। और इसके अगर मैं टॉप स्पीड की बातें करूँ तो इजीली चली जाती है 110 किलोमीटर पर आवर और इसके मीटर में आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेंगे। तो इसके अगर मैं प्राइस की बातें करूँ तो आप लोग अगर 1 लाख में 5,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं तो ये 1,05,000 में आपको मिलेगा ऑन रोड में। काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर है जिसको सिटी राइड करनी है उसके लिए। तो चलिए मैं आपको लिस्ट में ले चलता हूँ पाँचवें नंबर की बाइक की तरफ। और पाँचवें नंबर की बाइक जो है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी अभी न्यू आई है और तबाही मचा के रखी हुई है। तो ये है TVS की रेडर 125। तो इसमें लगा है 125 cc का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 PS की। ये इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बातें करूँ तो इसमें 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। 5 speed गियर बॉक्स के साथ ये आती है और इसके फ्रंट में लगा है डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। टॉप स्पीड ये काफ़ी अच्छा अचीव कर लेती है 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये काफ़ी अच्छा है। और माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा दे देती है 60-65 किलोमीटर पर लीटर। इसमें आपका आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको TFT स्पीडोमीटर मिल जाता है
और इसके मैं आपको ऑन रोड प्राइस की बातें करूँ तो आपको अगर प्राइस इसका थोड़ा सा अप करने का है तो 1,10,000 या 1,15,000 रुपये तक आपको ये ऑन रोड पड़ेगी दिल्ली में। तो आप लोगों को इस वीडियो से, 5 मिनट की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी कि 1,00,000 के अंदर में आपको कौन सी बेस्ट बाइक मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज़।